मैं पहली बार उत्तराखंड आया हूँ. शायद एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी थी कश्मीर जाने की या हिमाचल जाने की, लेकिन अब जब यहाँ पे आया हूँ, दो तीन हफ्ते हो गए उत्तरकाशी तक जाके आए, इतनी खूबसूरती मैंने पहले नहीं देखी. मतलब ये एंटायर स्टेट, मुझे लगता है एंटायर रीजन, मुझे नहीं लगता आज तक कभी पर्दे पर आया है. और अगर आया भी है तो बहुत पहले आया है, कुछ पुरानी फिल्मों में आया है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार अभी मेरा जो शो है जो पर्वतारोहण पे है, जिसका नाम एवरेस्ट है, जाहिर है एवरेस्ट नाम है तो एवरेस्ट को ही सबमिट करना इसका मेन उद्देश्य है इस शो का. तो जो किरदार हैं इसमें उनका माउंटेनियरिंग सीखना ये बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो एवरेस्ट चढ़ें. तो हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम एनआईएम उत्तरकाशी में. बहुत सारे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और मैंने यहीं पे देहरादून में काफ़ी सारी ऑडिशंस की. कम से कम 25 एक्टर्स मैं देहरादून से ही ले रहा हूँ जो यहाँ का थिएटर करते हैं. उत्तरकाशी में भी मैंने ऑडिशंस की, तो कम से कम 10 एक्टर्स हम उत्तरकाशी से लेंगे. इनफैक्ट काफ़ी सारा टैलेंट हमें यहाँ मिल रहा है. उत्तराखंड की शांत वादियाँ किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है. ये हम नहीं करें हैं बल्कि बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर आशुतोष गौरीकर का कहना है. वे आजकल एक सीरियल के शूटिंग के लिए उत्तराखंड दौरे पे हैं. उनका दावा है कि इस सीरियल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के युवाओं को चांस दिया जा रहा है. खास बात यह है कि ये शूटिंग उत्तरकाशी से लेकर देहरादून कम से कम 500 किलोमीटर के दायरे में यहाँ कई लोकेशंस में शूट की जाएगी. कैमरा पर्सन अरुण सिंह के साथ मैं दिलीप सिंह, बिस्ट INX लाइव, देहरादून.